हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एडवांस्ड इंग्लिश फ्रेजेज और वोकैबलरी। ये सभी फ्रेजेज ऐसे फ्रेजेज हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम सीख लें और अपनी डेली लाइफ में इन्हें यूज़ करें तो हमारी इंग्लिश फ्लुएंट भी होगी, साथ ही साथ इफेक्टिव भी लगेगी। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेज़ है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका मतलब होता है दुख के भेस में सुख। मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई काम या कुछ भी हमें बुरा लगता है, उससे हमें परेशानी होती है, लेकिन लास्ट में उस काम को करने की वजह से हमें खुशी मिलती है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, मतलब हमारे फेवर में होता है। एग्जाम्पल से समझिए आप लोग, लूजिंग जॉब टर्नड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम बिकॉज आफ्टर दैट ही एंटर्ड इनटू बिजनेस एंड बिकेम सक्सेसफुल। नौकरी खोना उसके लिए दुख के भेस में सुख बन गया क्योंकि उसके बाद उसने व्यापार में प्रवेश किया और सफल हो गया। मतलब नौकरी जाने के बाद उसने बिजनेस किया और वो सफल हो गया। आई नो के एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे लगा कि ये एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा। टेंस को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, लूजिंग जॉब टर्नड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर हिम बिकॉज आफ्टर दैट ही एंटर्ड इनटू बिजनेस एंड बिकेम सक्सेसफुल। जॉब खोना उसके लिए दुख के भेस में सुख बन गया क्योंकि उसके बाद उसने व्यापार में प्रवेश किया, मतलब बिजनेस किया और वो सक्सेसफुल हो गया। तो अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है दुख के भेस में सुख। नेक्स्ट फ्रेज है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना। किड्स इन माई क्लास वर ऑल ईयर्स वैन आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी। जब मैं कहानी सुना रही थी तब मेरी क्लास में सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। किड्स इन माई क्लास वर ऑल ईयर्स वैन आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी। तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना या बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल जो आप अपनी डेली लाइफ में इस फ्रेज को लेकर बोल सकते हैं वो है आई एम लिसनिंग टू यू ऑल ईयर्स, मैं तुम्हें ध्यान से सुन रहा हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब होता है कुछ कदम की दूरी पर या थोड़ी दूरी पर। लकीली द वेडिंग इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम आर होटल सो वी कैन वॉक देयर। मतलब सौभाग्य से शादी हमारे होटल से कुछ कदम की दूरी पर है या थोड़ी ही दूर पर है, तो हम वहाँ पर पैदल चलकर जा सकते हैं, यानी कि वॉक करके जा सकते हैं। कुछ कदम की दूरी पर है शादी तो हम वॉक करके वहाँ जा सकते हैं। लकीली द वेडिंग इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम आर होटल सो वी कैन वॉक देयर। तो अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कुछ कदम की दूरी पर या थोड़ी ही दूरी पर, जहाँ पर हम पैदल चलकर जा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है एट अ क्रॉस रोड्स। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि क्रॉस रोड का मतलब होता है चौराहा, जहाँ से चार रास्ते जा रहे होते हैं अलग अलग जगह पर जाने के लिए। तो एट अ क्रॉस रोड्स का मतलब होता है निर्णायक मोड़ पर, जहाँ पर आपको अपना रास्ता चुनना होता है, मतलब कि आपको एक डिसीजन लेना होता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है कि हमें दो में से या बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ता है जो हमारे लिए सही होता है, वही होता है निर्णायक मोड़। उसी को इंग्लिश में कहते हैं एट अ क्रॉस रोड्स। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ एट अ क्रॉस रोड्स ईदर ही शुड कॉन्टिन्यू हिज करंट जॉब और नॉट। वह एक निर्णायक मोड़ पर है कि उसे अपनी वर्तमान नौकरी करनी है या नहीं। नेक्स्ट फ्रेज है एट अ कैंटर। एट अ कैंटर का मतलब होता है आसानी से, मतलब बहुत ही ईजीली। आई कैन डू दिस वर्क एट अ कैंटर, मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क एट अ कैंटर। तो एट अ कैंटर का मतलब होता है आसानी से। नेक्स्ट फ्रेज है कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब होता है डर जाना, किसी चीज़ से घबरा जाना। आई गॉट कोल्ड फीट बाय हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, मैं उसके अजीब व्यवहार से डर ही गया था। आई गॉट कोल्ड फीट बाय हिज स्ट्रेंज बिहेवियर।
नेक्स्ट फ्रेज है द कोल्ड शोल्डर। द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है जानबूझकर ध्यान ना देना, किसी को जानबूझकर इग्नोर करते हैं जब, तो उसे बोलते हैं द कोल्ड शोल्डर। शी गॉट द कोल्ड शोल्डर टू मी इन द पार्टी, आई थिंक शी इज स्टिल एंग्री विद मी। उसने मुझे पार्टी में जानबूझकर ध्यान नहीं दिया या मुझे जानबूझकर अनदेखा कर दिया, मुझे लगता है वह अब भी मुझसे गुस्सा है या मुझसे नाराज है। शी गॉट द कोल्ड शोल्डर टू मी इन द पार्टी, आई थिंक शी इज स्टिल एंग्री विद मी। तो द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है जानबूझकर ध्यान ना देना या जानबूझकर किसी को इग्नोर करना। लास्ट में मैंने सभी फ्रेजेस को एक बार लिख दिया है, आप इन वर्ड्स लिस्ट को अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें रिवाइज कर सकती हैं।